हेलो गाइस, अपर्णा चाउमीन हॉय चैनल में आप लोग का सभी स्वागत है। आज मैं पूरी और मटर की सब्जी बनाने वाली हूँ। पूरी सबकी फेवरेट होती है और खाने में भी उतना ही टेस्टी होते हैं। चलो इसको बनाने के लिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले 1 कप मैदा की जगह 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सोडा और मैंने 50 ml पानी ली है उसको भुनने के लिए। अच्छे से उसको नीट करके उसको 10 मिनट के लिए हम लोग रख देंगे। और चलिए मसाला के लिए रेडी करते हैं। और जिंजर गार्लिक पेस्ट, चिली पाउडर, मीट मसाला पाउडर और धनिया पाउडर और लौंग, कार्डेमन, इलायची और ऑनियन। तो मेरे कढ़ाई हो गई है गरम। अभी मैं उसमें मस्टर्ड ऑयल डालूंगी। करीब 1 टेबल स्पून मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। उसमें सारे मसाले अभी दूंगी, लौंग, इलायची और सिनेमन। उसके बाद मैंने ऑनियन, चॉप ऑनियन डाल दी है। हल्का सा ब्राउन होने के बाद अभी जिंजर गार्लिक पेस्ट में भी उसमें डालूंगी। अच्छे से भून भून लीजिए। अच्छे से भूनने के बाद मैंने सब मसाले मैंने अभी दे दी है, इसको अच्छे से फिर भून लेंगे। और सब भूनने के बाद मैंने बॉयल्ड मटर मैंने डाल दी है। मैंने फ्रिज में रखा था इसलिए फ्रोजन हो गया, इसलिए ऐसे थोड़ा। 10 मिनट के बाद हम लोग भूंदे हुए पूरी को, आटा को लेके थोड़ा ऑयल के साथ मसाज करके उसको बेल लेंगे। सो मैंने ऑयल को ले ली है, उसमें डिप करके अभी उसको बेलेंगे। उसको राउंड शेप में बेल लीजिए थोड़ा सा। सो पूरी को थोड़ा पतला ही उसको बेलते हैं ताकि वो अच्छे से फूले। और मैं इसी तरीके से सेम प्रोसेस में मैं दूसरे भी करते जाऊंगी। मेरा आटा हो गई है रेडी। अभी मैं उसको ऑयल में डालूंगी। क्या बना रहे हो? मामा को हेल्प कर रहे हो क्या? हाँ वाह, इतना बड़ा पूरी! इधर मेरे तेल हो गई है गरम, मैंने रिफाइन ऑयल ली है। अभी अच्छे से गरम करके उसमें मैंने इस आटे को डाल दी है। देखिए मेरा पूरी अच्छे से फूल गई है क्योंकि मैंने अच्छे से पतला करके उसको बेल लिया था। अभी सेम प्रोसेस में दूसरा भी मैं करूँगी, दूसरा भी उसी तरीके से। आप लोग जब करोगे थोड़ा सा स्पून के साथ उसको प्रेस, तो अब हम सर्व करेंगे उसको मटर के साथ। देखने में बहुत टेस्टी है ना, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। और आपका हिसाब से आप पूरी ले लीजिए। सो मैंने गार्निशिंग किया है क्यूकम्बर और चॉप ऑनियन के साथ, और थोड़ा सा मैंने नींबू ले लिया है। आप लोग इसमें मन पसंदीदा जो भी कुछ डाल सकता है, चॉप चिली डाल सकते हो, सब कुछ। तो देखने में लग रहा है ना बहुत टेस्टी, तो इसी तरह से आप लोग इसको सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाला और वीडियो मिस ना हो जाए। थैंक यू।